पूर्णिया के 6 मजदूरों को पंजाब में बंधक बना लिया गया है, जिससे परिजन बेहद परेशान हैं और प्रशासन पर कार्रवाई न करने का आरोप लगा रहे हैं। सभी बंधक मजदूर जिले के बड़हारा थाना क्षेत्र के मुसहरी टोला के रहने वाले हैं और 1.5 साल पहले एक युवक इन्हें बहला फुसला कर यहाँ से लेकर गया था। तरमतार जिला में बेच ललके हमरा टका पैसा नहीं दे छे ओकरा कुन जाय छे त हमरा डोब डेंट के भगा भगा दे छे त डीएम साहब कने लिए एसपी कने लिए त सचना दलके जे हम बच्चा के नहीं दे त नहीं दे त अब कितना दिन में नहीं दे छे किजन गेल त हमरा के चाहे छे जे जल्दी हमरा के काम निरा कर दे। 1.5 साल हो गेल। शहीद सूरज कहाँ का है? शहीद मीरपुर का सूरज छे मलढ़िया के। कल के काम पर लगा देवे 2-4 महीना के बाद नैन के बच्चा के आपस कर देवे तो आपस की करते ले जाकर बेच ले। जब इस मामले पर एसपी से बात की गई तो उन्होंने कहा कि दलालों की गिरफ्तारी के आदेश दे दिए गए हैं और मजदूरों को छुड़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। हाँ, अभी कुछ लोग आए थे जिसमें पता चला कि उन्हीं के परिवार के ही एक सदस्य जो उनका दामाद है द्वारा कुछ बच्चों को मजदूरी के लिए किन्हीं दो लोगों के मार्फत भेजा गया और अब उनके पंजाब में होने की सूचना बताई जा रही है। उस पर प्राथमिकी दर्ज की गई है और मेरे द्वारा गिरफ्तारी करने का भी आदेश संबंधित थानाध्यक्ष को दिया गया है। साथ ही जहाँ सूचना मिली उसका सत्यापित करने के लिए और संबंधित पुलिस अधीक्षक को मेरे द्वारा भी सूचना दी गई ताकि वहाँ पर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। जानकारी के अनुसार दोनों दलालों ने पंजाब के तरन तारण जिला के खांगड़ा थाना इलाके में सरदार के पास सभी मजदूरों को बेच दिया। सरदार अब इन मजदूरों को बंधक बनाकर उनका शोषण कर रहे हैं। इसमें 3 बच्चे नाबालिग हैं। पूर्णिया से अमित कुमार, पंजाब केसरी टीवी।